हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज खाने के क्या फ़ायदे हैं, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कब इसको कौन सी मात्रा में खाना चाहिए। वैसे सभी लोग जानते हैं कि तरबूज गर्मी के मौसम में आते हैं, ये गर्मी के मौसम का फल है। इसमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है और गर्भवती महिला से लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को तरबूज वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद रहता है और ये खाना भी चाहिए। आज हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में तरबूज कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तरबूज में प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम और विटामिन ए पाया जाता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे सभी हरी पत्तेदार सब्जियां महिला के लिए, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए पोषण देती हैं, वैसे ही तरबूज भी प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होता है, आपको ज़रूर खाना चाहिए। गर्मी मौसमों में तरबूज खाना हर किसी को पसंद आता है। इस फल में 90% से ज़्यादा भी पानी पाया जाता है जो गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तरबूज का स्वाद बहुत अच्छा और टेस्टी होता है। प्रेगनेंसी में इसका सेवन कितना होना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसको लेकर महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। उनमें ही एक सवाल ये आता है कि तरबूज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जो भी चीज़ें खाई जाती हैं, सब्जी खाएं या फल खाएं, सभी चीज़ों की एक निश्चित और लिमिटेड मात्रा को तय रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ खाने से आपको और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, साथ में बच्चा भी गर्भ के अंदर, टमी के अंदर इरीटेट होने लगता है। क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रही है तो आपको ये लगता है कि बच्चे को कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए कोई सी भी चीज़ खाएं आप उसकी लिमिटेड और कुछ सीमित मात्रा रखिए ताकि आपको उसका पूरा बेनिफिट्स मिल सके। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को किसी भी फल का सेवन एक सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। प्रेगनेंसी में एक दिन में महिला के लिए 300 से 400 ग्राम यानी कि आधा किलो के आसपास आप तरबूज खा सकते हैं। चाहें तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज़ खा सकते हैं, लेकिन आपको 300 से 400 ग्राम आसपास ही उसकी क्वांटिटी रखना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए इसका सेवन, क्योंकि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहता है। प्रेगनेंसी में हर महिला के लिए एक नाजुक दौर होता है, इसलिए फ्रिज में रखे हुए और तरबूज, कटे हुए तरबूज का सेवन करने से बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रेग्नेंट महिला को फ्रेश तरबूज का ही सेवन करना चाहिए। इसमें आप जो तरबूज का जूस आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, जो आपको और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को सुरक्षा और पोषण सभी चीज़ें प्रदान करेगा। तरबूज के पोषक तत्वों बच्चे को गर्भ में पल रहे पोषण, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से हेल्प करते हैं उसके डेवलपमेंट में, तो आप तरबूज का सेवन बेफिक्र होकर कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित और लिमिटेड मात्रा में। अगर आपको तरबूज खाने के बाद कुछ परेशानी लगती है, ऐसा लगता है कि हमने इसका सेवन किया था और हमें परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर से ज़रूर बात करिए और उनको ज़रूर दिखाइए। इसके साथ ही तरबूज खाने के कई और फायदे हैं, क्योंकि तरबूज की जो तासीर है वो ठंडी होती है। इसमें मौजूद फाइबर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एसिडिटी और सीने में जलन की प्रॉब्लम से रिलीफ कराते हैं। तरबूज में 90% से अधिक पानी की मात्रा होती है, इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखता है। गर्मी में महिलाओं को तरबूज का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे शरीर की में पानी की कमी नहीं होगी और पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। इस फल के पोषक तत्व प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शारीरिक सूजन से भी राहत दिलाता है। तरबूज नसों में ब्लड फ्लो को सही मात्रा में है नसों तक पहुंचाता है, जिससे सूजन कम होती है और ख़त्म होती है। तरबूज में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं को बार बार फीवर, बुखार जैसी समस्या होती है, उन्हें तरबूज का सेवन जरूर करना चाहिए। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव के कारण हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है, ऐसे में तरबूज का सेवन किया जाए तो इन समस्याओं से रिलीफ ये दिलाया जा सकता है। अब आपको तरबूज खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल तुरंत ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो तरबूज को 9 से 10 बजे के आसपास लीजिए, सुबह सुबह आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद आप 11 से 12 या 1 या 2 बजे के बीच में ज़रूर लीजिए। तरबूज को कभी भी रात में खाना खाने के तुरंत बाद ना खाएं, पहले खाना आप खा लें, उसके आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी रहती है। आप कुछ भी गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, यानी आपने तरबूज खाया, तुरंत चाय कॉफ़ी पी ली, तो हो सकता है
कुछ पेट में कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन दो तीन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। सो फ्रेंड, आप तरबूज खा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको और आपके बच्चे को मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस।